नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। वहीं झांसी में पाथ इंडिया लिमिटेड के मुख्य परियोजना प्रबंधक सुल्तान अहमद खान साहब द्वारा चलाई जा रही गायों को रेडियम वाली बेल्ट पहनाने का काम किया गया, जिससे नेशनल हाईवे 27 पर हो रही हमारा पशुओं के कारण घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। नेशनल हाईवे 27 पर स्थित सेमरी टोल प्लाजा और 8 टोल प्लाजा की रूट पेट्रोलिंग टीम द्वारा निरंतर गायों को हाईवे से हटाने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि नेशनल हाईवे पर किसी प्रकार की जनहानि, धनहानि और मवेशियों की हानि ना होने पाए। वहीं जानकारी के अनुसार बताया गया कि नेशनल हाईवे की रूट पेट्रोलिंग 24 घंटे अपनी सेवा निरंतर दे रही है। वहीं हर साल की भांति गाय के गले में रेडियम बेल्ट बांधकर उनकी जान बचाने की प्रक्रिया जारी है और आगे भी चलती रहेगी। वहीं पेट्रोलिंग सुपरवाइजर अफसर अली ने बताया कि किसी भी प्रकार की घटना को रोकने के लिए हम हर प्रकार की संभव कोशिश करेंगे, ताकि सड़क पर किसी प्रकार की घटना ना हो। वहीं पेट्रोलिंग चालक मुकेश सोलंकी राजा खान ने बताया कि जहां जहां पर मवेशियों का झुंड लगा रहता है, वहां पेट्रोलिंग टीम द्वारा मवेशियों को हटाकर सर्विस रोड पर किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की घटना ना हो। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज उपाध्याय है। अच्छा सर जी, पेट्रोलिंग गाड़ी जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो NS-27 पे घूम रही है, क्या कारण है, क्यों है? ये NS-27 पे रूट पेट्रोलिंग का कार्य कर रही है। जो गाय रोड पे बैठी हुई हैं, उन्हें साइड में सर्विस रोड पे किया जाता है, और ताकि कोई दुर्घटना ना हो, जिससे जनहानि ना हो, जिससे धन हानि ना हो, किसी भी गाय की जान ना जाए और रोड अच्छा देखा जा रहा है जी। NS-27 पे अपना झांसी से लेके और पूंछ तक आए दिन कोई ना कोई घटनाएं घट रही हैं। घटनाओं का मेन कारण है गाय, तो इसके लिए क्या पहल आपका NS-27 द्वारा किया जा रहा है? हमारी पाथ इंडिया कंपनी द्वारा हमारे परियोजना प्रबंधक सुल्तान अहमद खान साहब के आदेश अनुसार गायों के गले में बेल्ट बांधी जा रही है, ताकि गाय दूर से ही दिखाई दे और उसकी जान बच सके, वाहन चालक की जान बच सके। अच्छा, यह अभियान कहाँ से कहाँ से कहाँ तक होता है और ये पेट्रोलिंग गाड़ी कितनी आपकी यहाँ सेवाएं दे रही है? सर, ये पेट्रोलिंग गाड़ी हमारी 24 घंटे सेवा दे रही है, जो कि डेली गांव से लेके पूरी तक कार्य करती है। अच्छा, तो 24 घंटे आप जो रोड पे गायें दिखती हैं, तो उन्हें आप केवल रोड से, एक चीज़ और देखा गया है, जैसे ठीक है आपके जो NS-27 के कर्मचारी हैं वो आके यहाँ से गाय को हटा देते हैं, घूम फिर के वो गाय फिर दोबारा वहीं पे आ जाती है, इसके लिए कोई प्रावधान आ रहा है? इसके लिए हम जगह जगह पे एक आदमी छोड़ते हैं जो गायों को हटाने का कार्य करता है। अच्छा, आखिरी सवाल, आप लोग मतलब आप NS-27 जो आप यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो आप लोग क्या चाहती हैं, आखिर आप लोगों को क्या कुछ सुविधाएं और मिल सके जिससे दुर्घटनाएं रुक सके? सर, गवर्नमेंट ने जगह जगह गौशालाएं बनाई गई हैं, यदि गौशाला से हमें सुविधाएं मिले तो इन गांवों को वहाँ पर शिफ्ट किया जाए, जहाँ पर की व्यवस्था भी रहती है, ना रोड पर गाय रहेंगी, ना एक्सीडेंट होंगे, ना इस प्रकार की दुर्घटनाएं। अच्छा, अभी देखा गया है जैसे गायों को रेडियम लगाने का काम किया गया है, तो ये रेडियम मतलब कहाँ से शुरुआत की, कहाँ तक गायों को लगाया जा रहा है? सर, ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट पर लगाई जा रही है और आगे भी लगाई गई है। लगभग कितनी संख्या में गायों को रेडियम लगा चुके हैं आप? लगभग 500 से अधिक गायों को। चैनल के माध्यम से क्या कुछ अपील करेंगे ग्रामवासियों से? ग्रामवासियों से अपील करेंगे कि जो रेडियम हम गायों को बांधते हैं, वो हमने देखा है कि अभी बांध के गए, एक घंटे बाद गाय के गले में से हटा दी जाती है, तो ये लोकल के जो लोग कर रहे हैं ये ना करें, और ऐसा करने से गाय की जान रहती है, उनकी सेफ्टी के लिए पहना जा रहा है।